वहीं नगर निगम भिलाई के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वार्ड 26 के पार्षद रिकेश सेन ने निगम के स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा पर कानूनी कार्यवाही करने की बातें कही हैं। धर्मेंद्र मिश्रा ने भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया के समक्ष कहा था कि ग्रीन नेचर संस्था को सफाई ठेका देने वाले थे, जिसका रिकेश सेन निगम अधिकारियों के गाड़ियों की सफाई कर अपना विरोध जता रहे थे। रिकेश सेन ने ऐसे अधिकारी को तत्काल बर्खास्त करने की मांग राज्य शासन से की है। ग्रैंड एसए न्यूज से हुई खास चर्चा में रिकेश सेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे साथ मौजूद है नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 26 के पार्षद रिकेश सेन, जो पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। अभी दो दिन पूर्व नगर निगम में सफाई कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। वेतन भुगतान की मांग को लेकर उन्हें दो महीने से ठेका कंपनी पीवी रमन द्वारा ठेका वेतन का भुगतान नहीं किया गया। तो इस दौरान प्रदर्शनकारियों से चर्चा करने आए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा जी द्वारा स्पष्ट आरोप सभी के भीड़ के बीच में लगाया गया था कि रिकेश सेन के कहने से ठेका दिया गया, यानी तो हमारा नगर निगम किसी अन्य ठेकेदार को ठेका देने का चाह रहा था। अब हमारे साथ रिकेश जी मौजूद है, क्या हम उनसे यही जानना चाहते हैं कि क्या रिकेश सेन को इतना अधिकार है कि वो किसी भी को भी अधिकृत कर सकें ठेकेदार? रिकेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्योंकि उस दिन जो धरना प्रदर्शन हुआ तो उसमें स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से कहना था कि आपके कहने के अनुसार ठेका दिया गया पीवी रमन को, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए कि नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत निविदा जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया के तहत ही की जाती है। उसमें हम टेंडर बुलाते हैं, टेंडर में ठेकेदार पार्टिसिपेट करता है, उसके बाद उसका निविदा समिति होती है, वो परीक्षण करते हैं, परीक्षण करने के बाद उसके बाद ठेकेदार को वर्क ऑर्डर दिया जाता है। तो जो स्वास्थ्य अधिकारी जी ने जो आरोप के ऊपर लगाए हैं वो किस संदर्भ में लगाए हैं वो समझ से परे हैं। अगर उनका कहना ये स्पष्ट है कि मैंने अगर उसको ठेका दिया है संबंधित ठेकेदार को, तो इसमें बहुत सारे प्रश्न भी उठते हैं। उन्होंने स्पष्ट उस वीडियो में कहा है कि वो ग्रीन नेचर को देना चाहते थे, तो क्या आप ऐसे किसी भी ठेकेदार को आप दे सकते हैं? नंबर वन। नंबर दो, जब ठेकेदार रमन को जब काम मिला तो उस समय प्रशासक बैठे थे, हमारा कार्यकाल तो ख़त्म हो चुका था, तो कलेक्टर महोदय ने ही वो टेंडर को स्वीकृत किया था विधिवत निविदा प्रक्रिया के तहत नियमानुसार कलेक्टर महोदय ने किया था। तो मेरा प्रश्न कहाँ से आ गया, ये समस्या बाहर है। तीसरा ये है कि जब वहाँ पे आंदोलनकारी जब आंदोलन पेमेंट को लेके वेतन को लेके कर रहे थे, वहाँ पे मेरा जिक्र क्यों करना, ये भी अपने आप में एक बड़ा संवेदनशील प्रश्न है। तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि अगर ये साबित करते हैं आदरणीय आयुक्त महोदय और स्वास्थ्य अधिकारी कि क्या पार्षद को निविदा देने का अधिकार है, अगर ये मुझे शक्तियाँ हैं तो अगर वो मुझे लिखित में अगर दे देते हैं कि आपने ही वो ठेका दिया है और आप ही उसके ज़िम्मेदार हो, तो ये जितने कर्मचारियों का वेतन बाकी है वो मैं अपने तरफ से और मेरी भारतीय जनता पार्टी जो है हम उसका भुगतान कर देंगे। नंबर वन। नंबर दो, जितने उस ठेके के तहत जितने भी अवार्ड अभी तक मिले हैं उस अवार्ड का श्रेय मुझे मिलना चाहिए अगर ठेका मैंने दिया है। तीसरा, जो बच्चों के दो बच्चों की मौत हुई है डायरिया से, उसमें अगर ये पाया जाता है कि ठेका मैंने मेरे कहने पे दिया है तो मेरे ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, नहीं तो उस स्वास्थ्य अधिकारी या वो संबंधित अधिकारी जिन्होंने टेंडर निविदा आमंत्रित करके और विधिवत जिसके हस्ताक्षर हैं उस निविदा में, या तो उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि रिकेश जी, स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ये भी कहा गया है कि ठेका नहीं देने की स्थिति में आपके द्वारा अधिकारियों के वाहनों को धोने का पूछने का कार्य शुरू कर दिया गया था, इस पर आप क्या कहते? देखिए, वो जो मेरा आंदोलन था वो श्रम विभाग से रिलेटेड था। मैंने वो जो आंदोलन किया था वो जब हमारा कार्यकाल था उस समय, तो एक मामला उठा था पीएफ का मामला कि कर्मचारियों को पीएफ नहीं मिल रहा है, उस पर बहुत बड़े घोटाले हैं और उस पर जो है ऐसे ठेकेदार को ठेका दे दिया गया है जिसके पास श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, तो उसको लेके मैंने इसकी डिमांड की थी। और मेरा आंदोलन था सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें मैंने गाड़ियां पोछी थी अधिकारियों की, और उसमें मुझे सफलता ये मिली थी कि श्रम आयुक्त आदरणीय खलको साहब ने, सचिव खलको साहब ने उस पर जांच कमेटी बनाई थी। उस जांच कमेटी में एक आईएएस को रखा गया था जिनका नाम था आदरणीय आशुतोष पांडे जी। वो जांच कमेटी अभी तक जांच कर रही है।
तो वो विषय कुछ और था और ये आदरणीय स्वास्थ्य अधिकारी जी ने ये विषय लाया ही क्यों और ये विषय इस विषय से कहीं बहुत भिन्नता है, तो पूरा ये पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डायरिया से जो मौत हुई है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य अधिकारी है, तो मुझे लगता है उसको भटकाने की कोशिश है। इस प्रकार का बयान एक बड़े अधिकारी को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और एक प्रश्न और उठ रहा है कि इसे अधिकारी बनाया कैसे गया स्वास्थ्य अधिकारी, क्योंकि इनका जो लेवल है वो एक सैनिटरी इंस्पेक्टर के रूप में है, एसआई है ये, और ऐसे हमारे पास तमाम एसआई हैं, तो इसमें से इनको प्रभाव दिया क्यों गया, इसके पीछे कारण क्या है। दूसरी बात, इनको गाड़ी क्यों उपलब्ध कराई गई, उसके बाद अभी तक इन्होंने लाखों रुपये का डीजल फूंक दिया, तो ये सब की रिकवरी कौन करेगा, इसकी रिकवरी करना चाहिए। सब मुद्दे को लेके अब हम जो है लगातार इसमें आंदोलन करेंगे और इस बात की लड़ाई लड़ेंगे कि ऐसे अधिकारी जो करप्ट अधिकारी हैं, जो राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, इनसे बचा जाना चाहिए। क्योंकि अब स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से बयान तो दे दिया गया कि आपके कहने से पीवी रमन को ठेका दिया गया, तो अभी इसके बाद आपकी क्या भूमिका रहेगी? मैंने आज मेरे वकील के द्वारा एक कानूनी नोटिस भेजा जा रहा है उनको कि वो स्पष्ट करे कि क्या पीवी रमन को मैंने ठेका दिया है, और ये भी स्पष्ट करे कि क्या ग्रीन नेचर को वो देना चाहते थे। इस विषय पे स्पष्ट करने के लिए उनको कानूनी नोटिस भेजा जा रहा है। दूसरा ये है कि मैंने आज राज्य शासन में आदरणीय मंत्री जी से मेरी मुलाकात होने वाली है इस पूरे विषय पे, और शहर सरकार में जो आदरणीय महापौर जी हैं उनसे भी मेरी चर्चा हुई है, और जो आदरणीय आयुक्त महोदय हैं अभी तत्कालीन प्रभार में हैं उनसे भी चर्चा हुई है। तो इनका कहना है कि जब तक रोहित व्यास साहब जो आईएएस हैं, जो हमारे नगर निगम के आयुक्त हैं, उन्हीं को इनके तबादला, उन्हीं को इनको हटाने का सारा अधिकार उन्हीं को है, तो उनके आने का हमें इंतज़ार करना होगा, ऐसा शहर सरकार और ऐसा राज्य शासन के अधिकारियों का कहना है। तो वो जब तक नहीं आते हैं तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं अपना जो है कुछ ना कुछ इस विषय पे अपनी राज्य शासन को अवगत कराते रहूँगा। इनकी जो जो भी स्वास्थ्य अधिकारी को रहते जितने भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, इस पूरे मामले को लेकर मैं ईओडब्ल्यू में भी शिकायत करने जा रहा हूँ। ये थे हमारे साथ पार्षद रिकेश सेन और पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो रह चुके हैं, जिन्होंने नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोप को सिरे से नकारा है, और साथ ही यह भी कहा है कि एक पार्षद को एक कौन अधिकार प्रदान करता है जिसकी वजह से वो तमाम बड़े बड़े करोड़ों रुपए के जुटे के वो प्रदान करने की क्षमता रखे। अब इससे पार्षद के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी काफ़ी नाराजगी है, स्वास्थ्य अधिकारी पर कार्रवाई करने को लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही जैसा कि उन्होंने बताया कि वकील के माध्यम से स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस भी भेजा जा रहा है, अब देखना होगा आने वाले समय में इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जा के साथ संजय दुबे।